अभी हम मौजूद हैं स्कर्दू में, तो स्कर्दू से मेन सिटी से ऊपर खरपोचो जो किला है वहाँ जाने का सोचा हुआ है। तो अभी रास्ता वगैरह उसका पूछते हैं, तो फिर जाते हैं आगे खरपोचो किले पे। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर स्किन को देखो तो फिर ट्रैवल नहीं होता। अभी मेरी जो हालत है बड़ी टाइट हुई हुई है, लेकिन खैर अभी आपको किले का व्यू दिखाते हैं, किले पे जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर आके किले पे। ऑफ रोड है ये तो। तो जा रहे हैं रास्ते में, आगे जाके देखते हैं। इतनी गाड़ी ठहरी रहे हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं, थोड़ी सी ड्राइव ली है तकरीबन 2 से 4-5 मिनट की। तो यहाँ पे पार्किंग कही है, ये सारा एरिया पार्किंग का है इसका। ये गाड़ी है हमारी यहीं पार्क कर रहे हैं, तो फिर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर का पैदल का ट्रैक है, तो फिर देखते हैं ऊपर कितना आगे जाना। यहाँ हम ज़्यादा इस वजह से भी आए हैं कि यहाँ से व्यू पूरे स्कर्दू का आता है व्यू, और ये जो ग्राउंड है शाइन ग्राउंड है मेरे ख्याल से, तो इसका भी व्यू आएगा। और काफ़ी मतलब टॉप पे रहा ये किला ना। इसका ट्रैक कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। तो देख रहे हो आप, थोड़ी हाइट पे है लेकिन इजीली जा सकते हैं हम ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ऊपर जाके ऊपर का व्यू भी देखते हैं, और आते हुए पानी ले आना अपने साथ क्योंकि मैं तो पानी लाया नहीं हूँ, मुझे भी थोड़ा प्यास लग रही है, लेकिन खैर चलो देखते हैं। मैं इसको ज़रा हल्के में ले रहा था कि मैं भागता हुआ चला जाऊँगा, लेकिन इसकी काफ़ी मतलब चढ़ाई है, थक जाता है बंदा। और ये हमने वो टॉप पर जाना है, ये ऐसे लाइनें जो ऐसे आ रही हैं यहाँ से, काफ़ी थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम जाएंगे। ये भी व्यू इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा हाइट पे है ना, अभी ऊपर जाके और ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर रेस्ट एरिया है, मतलब आप थक गए हो तो यहाँ बैठ सकते हो, थोड़ा रेस्ट करो और चले जाओ। और ये इसकी मैं तस्वीर बना लेता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं, अभी काफ़ी रास्ता रहता है। ओह अबे यार थक गया। असल में ना उन्होंने बड़े बड़े ऐसे स्टेप बनाए हुए, तो उनकी वजह से ना चढ़ने में मुश्किल हो। तो ये बाबा जी 100 रुपीज़ एंट्री है तो अंदर जाने की। ये लो बाबा जी, ये एक मैं हूँ, ठीक है। तो एंट्री देने के बाद ये अंदर ऐसे ही जाना है, ये जाना भी ऐसे है भाई। चलो चलो जन्नत के दरवाजे से क्रॉस करो, मोटा आदमी तो नहीं जा सकेगा। अंदर आगे हूँ मैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है, इतनी ऊपर जो चढ़ के आए हैं, जोर लगाया है, बुरी हालत हुई है। आखिर कुछ ऊपर ऐसा व्यू तो मिले ना जिसे देख के हम कहें वाओ, वाओ निकलनी चाहिए। वाओ नहीं निकलती ना भाई, तो फिर हमारा ऊपर आना भी फजूल है और आपका आना भी फजूल है। तो अभी मेरे ख्याल से ये अभी तक ये नज़र आया है मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं है अभी तो। अच्छा और क्या है, और ये घर बने हुए हैं, मतलब ये कोई पुरानी मतलब इमारत है, किले की शायद थी पहले पुरानी। तो कमरे बने हुए हैं, ये भी कमरा बंद है,
और एक ये टॉप पे मेरे ख्याल से मतलब वैसे ही पत्थर है, और देखते हैं आगे और क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे टोटली पत्थर और ऐसे घर बने हुए हैं। अब ये नहीं पता कि घर के अंदर क्या है। वैसे मैं दिखा देता हूँ, अंदर मैं नहीं जाऊँगा, वैसे ही दिखा देता हूँ। ये मुझे डर भी लग रहा है, क्या है ये किला है। मतलब मेरे ख्याल से तो ये पुराने ज़माने का जो पहले घर थे, जो भी था मतलब उनके घर थे या जो कुछ भी था उनके बारे में, वही चीज़ें। हर जगह कमरे ही बने हुए हैं। ये भी ऐसा ही है मेरे ख्याल से, ये तो गिरने भी वाला है, इन्होंने सपोर्ट लगाई हुई है। इसके अलावा और देखते हैं और क्या कुछ है। अच्छा ये मस्जिद है, मैं समझ रहा था कोई कमरा वगैरह, लेकिन ये मस्जिद है। तो अभी नीचे का व्यू आपको दिखाते हैं। वाह यार कमाल हो गया ये। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं भी और व्यू नज़र आता होगा इसका, मतलब सिकरदू का किसी भी और जगह। अच्छा ये सामने जो ग्राउंड बना हुआ है, ये भी नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे ख्याल से मैच हो रहा है, कोई पोलो ग्राउंड भी है और फुटबॉल ग्राउंड भी है। ये टोटली सिकरदू का व्यू है ये टोटल। वाह यार कमाल मज़ा आ गया इतना ऊपर। अच्छा वहाँ सामने से बाइक किधर है हमारी, वो मेरे ख्याल से रेड जो घर नज़र आ रहे हैं वहाँ से ऊपर आए हैं। ये सारा रास्ता था ऐसे, यहाँ से हमने अंदर इंटर किया था। अच्छा अजानें हो रही हैं वैसे, तो मैं पूरा किला नहीं दिखा सकता मुझे लग रहा है, क्योंकि रास्ता ना ऐसे देख रहे हो पत्थरों पे ऊपर चढ़ो तो ये साथ ही ये नीचे खतरा है मतलब। तो ऊपर जाके थोड़ा एक दो शॉट लेते हैं कि ऊपर जाके किस तरह का व्यू आता है या ऊपर क्या चीज़ है, तो फिर वापस नीचे आएंगे। थक तो गए हैं, लेकिन हाँ ऊपर आने का ये फ़ायदा हुआ है कि जो थकावट थी जो वो छोटा दरवाज़ा क्रॉस किया वो ज़ाया नहीं गया, मतलब मज़ा आया ऊपर आके। आना चाहिए ऊपर, रास्ता चाहे मुश्किल भी हो ना, अगर मंजिल अच्छी हो व्यू आपको अच्छा मिलता हो तो फिर आपको आना चाहिए ऊपर। कहीं भी जाओ, ये नहीं कि ये किला या कोई लेक हो या कहीं भी किसी जगह पे जाओ तो आपको जाना चाहिए। ये थोड़ा और ऊपर आया हूँ तो ऐसा व्यू आ रहा है, थक तो मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ। ये नहीं पता कि ऊपर ये क्या चीज़ है, पता नहीं ऊपर जाना अलाउ है या नहीं है, लेकिन बस कहीं तक ठीक रहेगा, ऊपर ना ही जाऊं तो मैं बेहतर है, क्योंकि गिरने का भी ख़तरा है। ये देखो थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा भाई, यहीं से इससे ज़्यादा तो व्यू आने से रहना, पूरी सिटी का व्यू जब आ रहा है तो इससे ज़्यादा ऊपर जाने का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। अच्छा आप कोई गलत जगह पे जा रहे हो और लोग आपको देखकर आ रहे हो तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं ऊपर टॉप पे जा रहा हूँ तो ये मुझे देख के ऊपर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तक ही लोग आते हैं वैसे, अब ये मुझे देख के ऊपर आ रहे हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर कोई गलत जगह पे आप जा रहे हो तो अगर कोई आ रहा हो तो आप फिर ऊपर ना जाना। मैं तो अभी आ गया हूँ, मैंने बाद में देखा इन्हें कि मेरे पीछे आ रहे थे। अच्छा ये टॉप पे आ गया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो यहाँ आ गए होंगे उनको पता होगा कि इससे ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये आखिरी टॉप है इसका, किले का ना आखिरी टॉप है ये। इन्होंने बिजली के तार वगैरह हैं, थोड़ा मुझे डर लग रहा है। तो ये आखिरी पॉइंट है इसका, क्या नाम था इसका, नाम भी भूल गया मैं इस किले का। अच्छा ये एंड है, इसके बाद कुछ नहीं है जहाँ अभी मैं ठहरा हूँ। अच्छा वहाँ से जब मैंने आपको व्यू दिखाया तो वो तो पहले था,
ये भी ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से टोटली चारों तरफ से, बोला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ऐसा कुछ भी होता है ऊपर से टॉप से जो स्कर्दू सिटी है। तो ये वो किले की फेमस जगह है जो आप हमेशा देखते हो, ये इस तरह फ्रेम से निकल के, और ये पूरा व्यू ये आप यहाँ से नज़र आता है, व्यू वही है बस मतलब यहाँ से। तो इस व्यू के बाद हम जाने लगे हैं वापस। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बतानी है, और इस किले के बारे में अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जितना हो सकता था मैं वो टॉप पे भी गया, जो जगहें नज़र आई मैंने आपको दिखाई, जिस जगह का व्यू आया है वो भी दिखाया। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम स्कर्दू में ही हैं तो जितना हो सकेगा हम स्कर्दू की चीज़ें आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करके ही जाएंगे यहाँ से। ओके, अल्लाह हाफिज़।